नमस्कार, मैं हूं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। देश की राजधानी दिल्ली में लश्कर ए तैयबा का एक खूंखार आतंकी गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सक्रिय लश्कर ए तैयबा मॉड्यूल के सक्रिय आतंकी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी है। आरोपी आतंकी की पहचान रियाज अहमद के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया भर के विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र देश के विकास में बेहद अहम है। भारत पहले से ही तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है, साथ ही तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता, तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश है। हम दुनिया में चौथा सबसे बड़ा एलपीजी आयात करते हैं, चौथा सबसे बड़ा रिफाइनरी मार्केट हमारा है और ऑटोमोबाइल सेक्टर भी हमारा ही चौथा सबसे बड़ा स्थान है। एक वर्ल्ड कप मैच के दौरान मोहम्मद शमी 5 विकेट लेने के बाद जमीन पर बैठ गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान के कई फैंस और दिग्गजों ने सवाल उठाया था कि मोहम्मद शमी 5 विकेट झटकने के बाद सजदा करना चाह रहे थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके। इस पर जब मोहम्मद शमी से पूछा गया कि आपके सजदा करने को लेकर सवाल उठाए गए हैं, इस पर शमी ने जवाब दिया कि मैंने सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को धोया है, किसी में दम नहीं है कि मुझे सजदा करने से रोक सके। मैंने ग्राउंड पर तो कभी सजदा किया ही नहीं। मैंने 5 विकेट पहले भी लिए हैं, लेकिन कभी सजदा नहीं किया। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने साफ कर दिया है कि वो पेटीएम वॉलेट के कारोबार को खरीदने के लिए पेटीएम की पैरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के साथ बातचीत नहीं कर रही है। जियो फाइनेंस ने पेटीएम के साथ समझौते के लिए चल रही चर्चा की खबरों का खंडन कर दिया और ऐसी खबरों को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अटकले करार दिया है। इससे साफ हो गया है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड फिलहाल पेटीएम के वॉलेट कारोबार को खरीदने के लिए कोई चर्चा नहीं कर रही है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से 3 फरवरी को जारी वार्षिक भर्ती कैलेंडर से नौकरी तलाश रहे उम्मीदवारों के लिए अवसरों का दायरा बढ़ेगा। वार्षिक कैलेंडर में वे महीने दर्ज किए जाएंगे, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। साथ ही प्रत्येक वर्ग के लिए वर्ष में 4 बार रोजगार अधिसूचना जारी किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को भाग लेने का अवसर मिल सके। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन भी हो रहा है। सोमवार को 55 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। इनमें 2011, 12, 13 और 14 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इनमें 2 अधिकारियों को जिलाधिकारी भी बनाया गया है, तो वहीं 3 को नगर आयुक्त बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी के जरिए मां बनने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि देश में विवाह संस्था की रक्षा और संरक्षण किया जाना चाहिए। ये पश्चिमी देश की तर्ज पर नहीं चल सकते, जहां विवाह से पहले बच्चे होना सामान्य नहीं माना जाता है। सुनवाई के दौरान कहा कि शादी के बाद मां बनना एक आदर्श है, न कि शादी से पहले। कोर्ट ने कहा कि हम पश्चिमी देशों की तरह नहीं है, देश में विवाह संस्था बची रहनी चाहिए। आप हमें रूढ़िवादी का टैग दे सकते हैं और हम इस बात को स्वीकार भी करते हैं। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक RTI के जवाब में ASI ने खुलासा किया है कि मुगल तानाशाह औरंगजेब ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई थी। ASI ने 1920 के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आधार पर यह जानकारी प्रदान की है। कहा जा रहा है कि ASI का यह जवाब शाही ईदगाह विवाद मामले में काफी अहम साबित हो सकती है। बिहार में नीतीश कुमार 12 फरवरी को अग्नि परीक्षा देंगे। 12 फरवरी को तय हो जाएगा कि कितने विधायक नीतीश के साथ हैं और कितने खिलाफ। अभी तक तो माना जा रहा है कि नीतीश कुमार आसानी से विश्वास मत हासिल कर लेंगे। हालांकि इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है। सम्राट चौधरी ने मीडिया से कहा है कि बिहार में BJP और JDU के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन राजद विधायकों को खरीद फोक्त की कोशिश कर रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का फिर दर्द छलका है। उन्होंने कहा है कि एक रोटी से पेट नहीं भरता है। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अपनी भागीदारी बढ़ाने की मांग की है। बताते चले कि मांझी लगातार नई सरकार में अपनी भागीदारी को लेकर बयान देते रहे हैं। इसी क्रम में जहानाबाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि एक रोटी से पेट नहीं भरता है, उन्हें और अधिक हिस्सेदारी चाहिए। मांझी के इस बयान से एक बार फिर बिहार का राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत दुनिया भर से दोस्ताना रिश्ते चाहता है, लेकिन देश की सीमा और नागरिकों की सुरक्षा से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत दुनिया को समस्याओं का समाधान देने वाले देश के तौर पर सामने आया है, लेकिन आतंकवाद और इसकी फंडिंग करने वालों के खिलाफ भी एक साथ आने की जरूरत है। अच्छे आतंकवाद और बुरे आतंकवाद जैसा कुछ नहीं होता।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने ऐतिहासिक कमाल कर दिखाया है। विलियमसन ने दोनों पारियों में शतक लगाने का धमाका कर दिया है। इन्होंने पहली पारी में 118 रन और दूसरी पारी में 109 रन बनाने में सफल रहे हैं। दूसरी पारी में शतक लगाए तो टेस्ट में यह उनका 31वां शतक था। 31 शतक लगाकर जो रूट को पीछे छोड़ दिया है, रूट ने 30 शतक लगाए हैं। वहीं अब फैब 4 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विलियमसन दूसरे बल्लेबाज हैं। पहले नंबर पर फैब 4 में स्टीव स्मिथ हैं। स्टीव ने 32 शतक लगाए हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने पर भारत के दिग्गज पहलवानों की लिस्ट में सुमार विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कुछ दिन पहले अपने अवार्ड को वापस करने का ऐलान किया था। अपने अवार्ड को वापस करने के लिए विनेश फोगाट 30 दिसंबर को पीएमओ जा रही थी, लेकिन उन्हें पुलिस ने अंदर जाने से रोक लिया, जिसके बाद वह अपने अवार्ड को कर्तव्य पथ पर ही छोड़कर चली गई। एक अधिकारी ने इसे लेकर कहा, हमने तीनों पुरस्कारों को एक कवर में सील कर दिया है और उन्हें अलमारी में बंद कर दिया है। ये नेशनल प्रॉपर्टी, हम इंतजार कर रहे हैं कि वे अपना अवार्ड जल्द ले जाए। राज्य में सक्षमता परीक्षा के विरोध में धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर कठोर कार्रवाई होगी। ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर उन पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। इस संबंध में निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिलाधिकारियों को दिया है। निदेशक ने अपने निर्देश में सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि सक्षमता परीक्षा का विरोध करने वाले शिक्षकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 186 एवं धारा 187 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं। निदेशक ने अपने निर्देश में सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि सक्षमता परीक्षा का विरोध करने वाले शिक्षकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 186 एवं धारा 187 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं। धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले शिक्षकों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय नियमावली के तहत अनुशासनी कार्रवाई भी प्रारंभ की जाए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। लोकसभा चुनाव सिर पर है और उसके दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जेल में हैं। दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बार बार नोटिस दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार इन परेशानियों से जूझ रही है कि इसी बीच में दिल्ली के कुछ गाँवों से केजरीवाल के बहिष्कार की खबर आने लगी है। ग्रामीणों के एक निकाय ने दिल्ली नगर निगम MCD पर बजट तैयार करने में उनसे सलाह नहीं लेने का आरोप लगाया है। इन ग्रामीणों ने कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी आपके उम्मीदवारों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। NCR के शहरों में रहने वाले लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए दिल्ली जाना काफी भारी पड़ता है। स्टेशन पहुंचने तक रास्ते में लगने वाले जाम से काफी समय बर्बाद होता है। इसके साथ ही ऑटो टैक्सी में खर्चे भी होते हैं। भारतीय रेलवे NCR के 4 शहरों को राहत देने जा रहा है। इन शहरों में रहने वाले लोगों को बॉर्डर पर रीडेवलप किए जा रहे एक स्टेशन से ही ट्रेन पकड़ने का विकल्प मिल जाएगा। भारतीय रेलवे रेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के बाद दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन NCR के गाजियाबाद स्टेशन के रूप में रीडेवलप करने जा रहा है। इस स्टेशन के निर्माण का काम काफी तेजी से चल रहा। आम आदमी पार्टी की मंत्री अतीसी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय जाँच एजेंसी ED पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ED के गवाहों से CCTV कैमरे की निगरानी में पूछताछ करनी है और उसके ऑडियो वीडियो को सुरक्षित रखना है। इसकी जगह ED ने गवाह के बयान की ऑडियो रिकॉर्डिंग हटा दी है। उन्होंने ED को देश के सामने रिकॉर्डिंग पेश करने की चुनौती दी है। अतीसी ने कहा है कि जब एक आरोपी ने कुछ दिन पहले कोर्ट में आवेदन दिया और कहा कि मुझे CCTV फुटेज चाहिए, उन्होंने आवेदन क्यों दिया। फिल्म फाइटर बड़े विवाद में फंस गई है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारडस्ट फिल्म में एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स की कहानी को दिखाया गया है। फिल्म के एक सीन में ऋतिक और दीपिका एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहने एक दूसरे को किस करते नजर आ रहे थे। अब इंडियन एयरफोर्स के असम में पोस्टेड विंग कमांडर सौम्यदीप दास ने इस सीन को आपत्ति जताते हुए स्टार कास्ट और डायरेक्टर को नोटिस भेजा है। विंग कमांडर सौम्यदीप दास का कहना है कि किसिंग सीन में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण का एयरफोर्स की यूनिफॉर्म का अपमान है। शाहरुख खान के फिल्म जवान ने बॉक्स ऑफिस पर क्या तहलका मचाया था, ये किसी से छिपा नहीं है। 2024 में एक बार फिर वो धूम मचाने को तैयार है। इस बार एंट्री के हीरो हैं वरुण धवन। फिल्म का नाम है बेबी जॉन। अभिनेता का इंटेंस अवतार टीजर में देखने को मिलता है। लीड एक्टर्स हैं वरुण धवन, कीर्ति सुरेश एवं वामिका गब्बी। बेबी जॉन को वर्ष की सबसे बड़ी एक्शन एंटरटेनर बताया जा रहा है। वरुण की फिल्म में एक्शन अवतार नजर आएगा, वो अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हुए नजर आएंगे। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज हुई, जिसमें कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक के दौरान जनता के हितों का ख्याल रखा गया और बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई है।
मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित इस मीटिंग में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। पहली कैबिनेट की बैठक में 4 एजेंडों पर मुहर लगी थी। LIC समय समय पर अपनी करोड़ों ग्राहकों के लिए नई योजनाओं का ऐलान करती है। इसी कड़ी में LIC ने इंडेक्स प्लस प्लान लेकर आई है, जिसमें शेयर बाजार का फायदा, बीमा सुरक्षा और गारंटीड एडिशन का लाभ मिलता है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने 5 फरवरी सोमवार को इस नई योजना को लॉन्च किया है, जो 6 फरवरी से बिक्री के लिए उपलब्ध है। LIC ने एक बयान में कहा है कि ये योजना पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान जीवन बीमा सुरक्षा के साथ बचत प्रदान करती है। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने 6 फरवरी को भारत के साथ घरेलू मैदान पर T20 सीरीज खेलने का ऐलान कर दिया है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच ये T20 सीरीज T20 विश्व कप 2024 के बाद खेली जाएगी। मंगलवार 6 फरवरी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज की घोषणा की है। दोनों टीमों के बीच इस सीरीज का आगाज 6 जुलाई 2024 से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत में अगले 5 से 6 वर्ष में ऊर्जा क्षेत्र में 67 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा। साथ ही उन्होंने वैश्विक निवेशकों को भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% से अधिक की दर से बढ़ रही है। देश जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शेयर मंगलवार को कारोबारी सत्र के दौरान रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। BSE के आंकड़ों के अनुसार कंपनी का शेयर 9:50 यानी 35 मिनट के कारोबारी सत्र में 4.10% की तेजी के साथ 4,135.90 के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने एक सुपर अर्थ नाम के ग्रह की एक खोज की है और इसको लेकर संभावना है कि यहाँ जीवन संभव हो सकता है। यह 137 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इस सुपर अर्थ को TOI 715B नाम दिया गया है और यह पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। NASA के अनुसार इसकी सतह पर पानी हो सकता है। यह पृथ्वी के आकार का दूसरा ग्रह भी हो सकता है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, नौसाद रजा, मोहम्मद साकिर हुसैन, अनीस यादव, रविशंकर। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार अभी की राजनीतिक परिस्थिति को देखकर आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।